बहरहाल सर पाकिस्तान से भी नरेंद्र मोदी को वोट मिल रहे हैं बाय द वे, दैट्स द होल थिंग। द इस्लामिक स्केप्टिक साहब, सलाम सलाम ब्रदर, कैसे है? सलाम सलाम ब्रदर, ठीक है, आप सुनाओ, मुसलमान हो? हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा पीछे से म्यूजिक वगैरह बंद करो, कार्टून बंद करो, साइड वाले कमरे में आओ। अच्छा, साइड वाले कमरे में, सही है। हाँ, अक्षय शर्मा मैंने तुम्हें बोलो, बोलो है। रुको, रुको, आप रुको, आप रुको। अक्षय शर्मा मैंने अभी तुम्हें किक आउट किया था, तुम दोबारा आ गए, डोंट ज्वाइन प्लीज। हाँ भाई, क्या कहना चाहते हो, इस्लाम में बीवी को मारना हराम है कि हलाल है? हाँ हलाल तो है, मगर ऐसे मारो जहां पर चोट ना लगे, बस। बेहतरीन साहिल साहब, साबित हो गया, मान लिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बोला था साहिल साहब, कुन मारना है, कुन मारना है, यानी कि हड्डी नहीं तोड़नी है, खून नहीं निकालना है, कुन मारना है। इस मार्क तरीके से मार्क भी नहीं होना है, बात सुनो, मार्क भी नहीं होना है, इंजरी भी नहीं होना है, कोई चीज ऐसा मारो। हाँ हाँ, मार्क तो होना है सर, मार्क अगर दिखा दूं आपको हदीसों में। अच्छा, बल्कि छोड़े इस बात को, अगर खावन बीवी को मारे, इतना मारे कि उसकी कोई हड्डी तोड़ दे, तो क्या होगा उस सिचुएशन में, ये बताइए। इस बार तो मैं नहीं बोल सकता कुछ, क्या क्यों नहीं बोल सकता? अगर आप दिखा सको दिखा दो। मैं पूछ रहा हूं अभी आपसे कि खावंद मारे, इतना मारे कि बीवी की हड्डी टूट जाए, ऐसी सिचुएशन में क्या करने का है बीवी को? बीवी खावंद की हड्डी तोड़ सकती है? अभी आपने वो वर्ष कहे थे ना कि भी वो दोबारा से रिटेलिएट नहीं कर सकती है, हाँ, फिर आप यही बोलोगे ना? सही बात, आपने जो वर सिखाया था कि भाई क्या नाम है, कोई औरत थी, वो दोबारा से एक बंदे को मारना चाह रही थी, फिर बाद में वो उसने मतलब वो एक रिवोल्यूशन आ गई, तो फिर बाद में उसने नहीं मार पाई, वही वाला दिखाओगे क्या? नहीं, वहां पे हड्डी टूटने की तो बात नहीं हुई थी ना? हड्डी टूटने की बात ना नहीं हुई ना, मगर बाकी सारे जो के तफसीरे है वो तो यही बोलते हैं कि भाई ऐसे ही बोला गया। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ आपसे, आपने मेरी बात समझी नहीं है। वैसे मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आप अपनी बीवी को मार रहे हैं, और बीवी को मारते हुए आपने इस तरीके से मारना है कि बीवी की हड्डी ना टूटे, करेक्ट? हाँ, करेक्ट करेक्ट, हड्डी भी ना टूटे, मार्क भी ना है इसके ऊपर। बेहतरीन होगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप मार रहे हैं अपनी बीवी को इस तरीके से कि उसकी हड्डी ना टूटे, लेकिन आपने उसका कोई बाजू बुजू मरोड़ा जिसकी वजह से उसकी हड्डी टूट गई, ऐसी कंडीशन में उस बंदे के साथ क्या किया जाएगा जिस बंदे ने बीवी की हड्डी तोड़ दी है मारते हुए? आई डोंट नो ब्रदर, खुद बताओ ना, आपके पास तो कुछ होगा? हाँ, आप बताओ ना, आपके पास तो कुछ होगा ना? आप तो आलमी दिन बने हो ना सर। उस सूरत में उस बंदे के ऊपर कोई सजा नहीं है, बीवी तलाक ले सकती है अगर उसका दिल करे तो। तो और क्या चाहिए? क्या मतलब और क्या चाहिए है? क्या मतलब? तो अगर मारा तो साहिल साहब सुने जरा, यानी के एक बंदा अपनी बीवी को मारता है इस्लामिकली, लेकिन वो उसकी हड्डी तोड़ देता है मार मार के, और लिहाजा उस बंदे को अब वापस में रिटेलिएशन के तौर पर कोई सजा नहीं मिलेगी, सिर्फ बीवी तलाक ले सकती है बस, क्योंकि बीवी के पास वैसे तलाक लेने का तो हक नहीं है। लेकिन अगर उसने मार मार के हड्डी तोड़ दी है तो वो तलाक ले सकती है। साहिल साहब, ये है सजा क्या है इसमें? क्या मतलब? क्या कह रहे हो? तलाक बोलो, तलाक हक नहीं होती, मुझे बताओ ना कहां पर हक नहीं है? क्या बीवी कभी भी अपने खावंद से तलाक ले सकती है? हाँ, ले सकती है, जब इच्छा। दिखाओ। तीन तलाक बोल के? तीन तलाक वाले हम लोग तो वो मानते ही नहीं उसको, तीन तलाक वाला। इकट्ठा नहीं बोल रहे तीन तलाक। हम आपसे वो कह भी नहीं रहे, एक सिटिंग में तीन तलाक बोले, तीन बार तलाक कर भी नहीं रहे क्या? आप तो यही बोल रहे हो तीन बार तलाक वाला, तो तीन से अलग और क्या हो सकता है मुझे भाई? पहला तलाक देगी वो, उसके बाद उसका वेटिंग पीरियड, उसके बाद दूसरा तलाक, उसके बाद उसका वेटिंग पीरियड, फिर तीसरा तलाक, इस तरीके से बीवी तलाक दे सकती है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है, तलाक को भाई लेना है तो एक साथ लेना पड़ेगा ना।
आप कहां से कोट कर रहे हैं मुझे बताओ जरा, तो आप कहां से कोट कर रहे हैं तलाक नहीं ली उसके बाद डायरेक्ट डिलीवरी होता है वो भी भाई जितने तक बात सुनो अगर वो प्रेग्नेंट ना हो तो फिर बाद में 3 महीने तक उसकी इज्जत होती है। अरे भाई आपको बताया क्या इतना साहिल छोड़ दे इस बंदे को, इसको इतना नहीं पता, सिर्फ ये दिखा दे बीवी तलाक ले सकती है जा। हाँ वही तो पूछे बीवी अच्छा, तलाक दे सकती है बता दे। क्या बोलोगे अब बोलोगे क्या मुझे बताओ जरा। मैं बोलूंगा अगर मैंने आपको दिखा दिया क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा कि मोहम्मद बहुत महान है। सही है दिखा रहा हूं। क्या चाहिए भाई एडम साहब से ये बुलवा लो मोहम्मद साहब बहुत महान है इससे बढ़ के दुनिया में क्या हो सकता है। सबर बरादर सबर सबर। लो जी साहिल साहब दुनिया का कोई स्कॉलर नहीं मानता, कुरान नहीं मानता, हदीस नहीं मानती, लेकिन ये बंदा आज हमें दिखाएगा कि इस्लामिक शरा में बीवी तलाक ले सकती है। नहीं ले सकती वर्ड मत यूज करो एडम साहब, तलाक दे सकती है। सॉरी दे सकती है सॉरी साहिल साहब सॉरी 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 यार वो क्या करूंगा इतनी दफा ये बोला हुआ लफ्ज इस तरीके से कि वो बाय डिफॉल्ट निकलता है, वो बाय डिफॉल्ट मुंह से निकलता है। तो यार ये बीवी तलाक दे सकती है ये तो मैं कहता हूँ कि कमाल हो गया भाई, आज तो दुनिया चेंज हो जाएगी। हम आज तक समझते आए यार सिर्फ मर्द तलाक दे सकते हैं, आज हमें पता लगेगा बीवी भी तलाक दे सकती है। वल्लाही वल्लाही बता भाई हवाले पेश करो। अच्छा अभी आपको पेश कर रहा सबर करो ना जरा सबर करो साहिल भाई, उसने गूगल करना है यार, गूगल करना है यार साहिल, गूगल करने से यार आर्टिकल ढूंढने से यार हद हो गई यार। आर्टिकल भी लिखना होता है ना, फिर आप क्या बोल रहे हो? आप आर्टिकल बताने हो, आर्टिकल बता रहे हो आप लोग? आर्टिकल बता रहा हूँ मैं, कुरान आर्टिकल है साहिल साहब, कुरान एक आर्टिकल है, हदीस एक आर्टिकल है, शरिया एक आर्टिकल है साहिल साहब। आर्टिकल दिखा रहा हूँ साहिल साहब, हवाला दे देना भाई। इस्लामिक स्केप्टिक क्यों फालतू यहाँ की बात करता है, हवाला देना यार। अच्छा बात सुन, म्यूट बैक स्टेज में करना, तुझे आधा घंटा लगेगा, म्यूट कर अपने आप को, मैं किसी और से बात करता हूँ उतनी देर में। हाँ सही है सही है, मेरे को वो कर दे, रेडी हो जाएगा। अरे अबे तुम लोग इतना तवे पे बैक स्टेज कर दे, मेरे को मजा आ रहा है, तेरे को इसमें नहीं रहना है, स्टूडियो में नहीं रहना है, स्ट्रीम में म्यूट करके बैठे रहना, अपने आप को म्यूट कर ले, बैठ रहे म्यूट कर ले भाई, जब तेरे पास हवाला आ जाएगा तो अनम्यूट कर ले। मैं खुद ही उसे म्यूट कर देता हूँ, डोंट वरी। हाँ भी मोहम्मद अनस। हेलो भाई। हेलो भाई, मेरी आवाज आ रही है भाई? आ रही है। हाँ भाई मुझे एक बात बोलो, आप मतलब इससे पहले मतलब मुस्लिम थे आप, मतलब आप मुस्लिम हैं, मतलब आप एडम साहब, एडम साहब सुनो ना, मेरी मेरी बात नहीं आप साहब। अरे रुक यार मोहम्मद, एडम साहब दो फीमेल है और हम हमेशा फीमेल्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। ले शहनाज जी आपका कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन के साथ बात करना है आपको, चलेगा या कैमरा ऑफ कर लेवा, नीचे बटन आएगा स्टॉप कैमरे का बटन है नीचे, अगर आप ऑफ करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। आर यू टॉकिंग टू मी एडम? जी जी आई एम टॉकिंग टू यू। हाय एडम मेरा बेटा, आई लव यू। मैंने सिर्फ एक मिनट लेना था, यू एंड साहिल आर ग्रेट, डूइंग ग्रेट जॉब। द ओनली थिंग आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एंट गुड विद कंप्यूटर, सो आई आस्क माय ग्रैंडडॉटर टू हेल्प मी, which by the grace of God we are succeeded eventually. Would you be kind enough, my sons, to send your valid email or the phone number or anything that I can communicate with you privately? My email address is xmuslimadamseeker@gmail.com. It is running in the scroll. Let me just write it down over here. xmuslim पुत्र मेरे दियो बड़ी बारी तो आप मेरा भेज दिया जी जी ये मैंने भेजी है, ये देखें ये देखें देखें ये मैंने चला दिया दोबारा, ये यहाँ पे नजर आ गई सर आपको मेन स्क्रीन पे xmuslimadamseeker@gmail.com। अच्छा और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बेटा, ये जो है साहिल है ना बेटा, तो जी साहिल भाई उसका व्हाट्सएप नंबर इफ जी जी साहिल कहीं पे है मैं आपको प्राइवेट चैट में दे देता हूँ। चलो ठीक है, एंड थैंक यू एवर सो मच, आई एम सो सॉरी, ये नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है, बट स्टिल यू नो
sometime we got no other option, so I end up calling you in your against your rule and regulations. I do apologize for that, but I love you a lot. God bless you and protect you, and financially I wanted to support you. Thank you, Manji. Bahut bahut dhanyawad. Thanks a lot. I love you, Adam. Say it again once more, Manji. माजी थैंक यू सो वेरी मच. नहीं आप मुझे ईमेल कर दें, मैं साहिल का व्हाट्सएप भी आपको ना ईमेल पे भेज दूंगा. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिए मेरे बेटे, और जितना आपका ग्रुप है ना मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ. थैंक यू माजी, बहुत बहुत शुक्रिया. ओके ओके, तो फिर मुझे बेटा जी मेरा कुछ भी ना जल्दी से, बिकॉज आई एम नॉट गुड विद कंप्यूटर, मैं निकाल देता हूँ आपको. एंड या ऑलराइट देन, थैंक यू एवर सो मच. टेक केयर. ओके, गो अहेड एंड गॉड प्रोटेक्ट यू. आमीन. थैंक यू माजी. मतलब आप इससे पहले मतलब मुस्लिम थे, मतलब आपने वो मजहब छोड़ दिया ना आपने, मतलब आप मुस्लिम हैं. देखिए सर, मैं तो इस टाइम मतलब इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ. मतलब आप मुस्लिम हैं. देखिए आप, ये मेरी थोड़ी मतलब क्या बोलूं, अब ये रिपीट मत कीजिए आप मेरी बात. मतलब आयतल कुर्सी सुना दें. वो छोड़े आप, वो तो बच्चे को भी पता होती है. आप मुझे बात तो बोलिए, आप सुना दें ताकि मुझे पता लगे आप मुसलमान हैं. आप टॉपिक मत जाइए. देखिए मेरे 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 चैनल का रूल ये है, अनलेस आई एम श्योर दैट आई एम टॉकिंग टू अ मुस्लिम आई विल नॉट हैव अ डिस्कशन. हेंस आयतल कुर्सी सुना दें और सवाल करें, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं. देखिए भाई आप मत भागे इसे, मैं आपको बोल रहा हूं, मतलब मैं आप जानना चाहता हूं आपके बारे में. आप मतलब आप आयतल कुर्सी सुनाएंगे तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब. आप यहां पे बच्चों से, आप मतलब किसी आलिम से बहस कीजिए. आप छोटे बच्चों को उठा रहे हो उनसे. मतलब आप छोटे बच्चे हैं. मतलब ये है कि आप आयतल कुर्सी सुना दें, मतलब मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा. अगर मतलब आप आयतल कुर्सी नहीं सुनाएंगे तो मतलब मैं दूसरे के पास चला जाऊंगा और मतलब मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा. मतलब ये कि मतलब अगर आप मेरे सवाल का जवाब चाहते हैं तो आप मुझे आयतल कुर्सी सुना दें तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं. इतनी सी बात है. मैं आपसे आयतल कुर्सी के बारे में सवाल नहीं करूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा. छाप रहे हो. मैं ये कहना चाह रहा हूं, मतलब आप मेरी वॉइस बीच में बंद कर देते हो भाई. नहीं, मन नहीं कर देता, आपको बैक स्टेज करता हूँ, क्योंकि मतलब मुझे प्रूफ चाहिए कि आपको कम से कम आयतल कुर्सी आती है ताकि मैं आपसे बात कर सकूं. लास्ट चांस है, दोबारा आपको टॉप पे ले रहा हूँ. अगर आप स्ट्रीम यार्ड में आके आपकी बार आयतल कुर्सी नहीं सुनाएंगे, मतलब ये कि मुझे आपको निकालना पड़ जाएगा. ये आपकी अपनी मर्जी है. मतलब ये कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो आयतल कुर्सी मतलब है. आप मुझे निकालोगे भाई, मुझे फेस नहीं कर पाओगे, मुझे पता है. ओके, मतलब एनएस भाई आयतल कुर्सी सुना दें. साहिल भाई, मुझे नहीं लग रहा आप मुस्लिम थे, मतलब आप हिंदू हो मुझे लगता है. ओके बाय. जो बंदे को आयतल कुर्सी नहीं आती, मतलब एको, वो हमसे आगे डिबेट करेगा. जा बच्चे अपने बाप को भेज, उससे बात करते हैं. क्या यार साहिल, किस किस्म के लोग आते हैं यार. सर जी बरेलवी आ गया, हक पसंद बरेलवी. साहिल भाई आपका शिकार. हाँ भाई, हक पसंद बरेली. ओए बरेली, ओए हक पसंद. ओए बरेलवी बोलो. ओए बरेली, ओए बरेली, तेरे बारे में इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा ने बताया क्या है. ये सुन बरेली, कोई मेहनत से नहीं कमाया तुम लोगों ने, अल्लाह रसूल के नाम का खा रहे हो. चंदे इकट्ठे किए हैं, जदादे बनाई हैं, इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में. अल्हम्दुलिल्लाह बरेली बोल. ओए हक पसंद बरेली बोल. फाइव निकालने लगा हूं. फाइव फोर थ्री टू वन. मिस्टर अजीज, मिस्टर अजीज, मिस्टर अजीज,
ओके अजीज साहब भी नहीं बोलना पसंद कर रहे, इनको भी निकालते हैं। मिस्टर अफजल सैलवी मेरी आवाज आ रही है ना आपको? ओके साहिल साहब म्यूट पे हैं इस वक्त। हाँ अजीज दोस्तों मेरी आवाज आ रही है ना? ये म्यूट जी आज चल रहा है कुछ। हाँ म्यूट जी आज चल रहा है। हाँ भाई अफजल हाँ जी आ रही है। मुसलमान है सर? हाँ जी मुसलमान। मुसलमान है आप? मुसलमान है? हाँ भाई अफजल क्या करें? तुमको एक वीडियो भेजा था आप लोगों ने, फिर से भेजा देखो। अच्छा बात सुन, मुद्दे पे बात करनी है कि नहीं? नहीं कर रही। ओके अल अजाम अजीन व्हाटएवर अजान अल अजान। हेलो जी सर, क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, आपके लिए एक अजान। सर आप मुसलमान तो नहीं है ना? ओके क्या यार गधे लोग हैं यार, सीरियसली स्पीकिंग। जी इस्लामिक स्पेक्टिक आपको मिल गया, कहाँ पे औरत तलाक दे सकती है? औरत को भाई बात सुनो ना, ये तो लाजमी नहीं होता कि भी अगर किसी को हरम किया जाए या फिर कोई और चीज किया जाए दूसरा, वो ये भी हो सकता है कि अगर उसको भाई मुद्दा चेंज नहीं करो, इस्लामिक स्केप्टिक मुद्दा चेंज नहीं करना है भाई। तुम लोग है ना एक तो तवे पे क्यों बैठ के आते हो, एक तो ये हम लोग को समझ में नहीं आता है कभी भी। आराम आराम से तुम लोग बात क्यों नहीं कर सकते हो रुक रुक के? आप जब पहले गए थे आपने ये दावा किया था कि औरत तलाक दे सकती है, बीवी तलाक दे सकती है, आपने ये दावा किया था और आपने कहा था कि मैं इसकी दलील दूंगा। अब जब आप आए हैं बाकी बातें आप सब बाद में करना, पहले आप वो दलील पेश करें जहां से हमें पता चले कि औरत तलाक दे सकती है। दूसरी बातें ना करें भाई और थोड़ा आराम आराम से बात करें प्लीज। जी अनम्यूट कर ले स्केप्टिक साहब। औरत तलाक के लिए दरखास्त तो कर सकती है। दरखास्त तो कर सकती है तो तलाक दे नहीं सकती है। एक मिनट रुक जा, थोड़ा रुक जा, अभी थोड़ा हम लोगों को थोड़ा सा इसको एड्रेस करने दे, फिर से आपको लेंगे। अच्छा गाइस आप लोग देखो कि ये इस तरीके से जब किसी नॉन मुस्लिम और बाकी मुसलमानों से बात करते रहेंगे तो ये इसी तरीके से धोखा देते हैं उन लोगों को, इस्लाम को अच्छा साबित करने के लिए इसी तरीके से धोखा देते हैं। इसने कितने सारे लोगों को, अगर ये कोई फोरम पे अगर यहाँ पे आके ये बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये दूसरे फोरम्स पे भी जाके बात करता होगा। और जिसको नहीं मालूम होगा ये चीज कि औरत के पास हक ही नहीं है तलाक देने का, इसको तो ऐसी बेवकूफ ये लोग बना रहे होंगे। ये इनके अंदर इतनी धोखाधड़ी होती है, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और कई सारे मामलों में ये जो है वो गैर मुसलमानों को, मुसलमानों को भी बनाते हैं और गैर मुसलमानों को भी बनाते हैं इस तरीके से धोखा देके। और उसी चक्कर में आके कई सारे लोग जो है वो इस्लाम के इसमें क्या कहते हैं उसको, दायरे में आ जाते हैं, फंस जाते हैं चुंगल में धोखाधड़ी की वजह से। जी अभी आगे अपना मुद्दा रखे आप। रखो अपना मुद्दा आगे। मुझे ये नहीं पता कि आप कहां से मंजन खा के आ रहे हो भाई, मुझे ये बताओ जरा। कोई बात नहीं, तुम्हारा मंजन अभी निकाला हमने। अब बेसिकली वापस चलते हैं उसी स्टेटमेंट के ऊपर। मैंने कहा था कि अगर खावन अपनी बीवी को मार मार के उसका कोई बाजू या टांग तोड़ दे, हड्डी तोड़ दे, तो द ओनली थिंग जो कि बीवी को मिल जाती है वो ये मिल जाती है कि अब वो उससे तलाक ले सकती है। आप ये बोले कि मार करने के बात कर सकती है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बाबा।
फालतू में अगर कोई झगड़ा ना हो, कोई वो चीज ना हो तो उसमें तो नहीं ले सकती है, मगर हाँ अगर हक हुई हो, जैसे कि हक मेहर में कोई चीज उन लोगों ने खा लिया, शोर लोगों ने खा लिया, फिर बाद में वो तलाक दे सकती है, भले जुडिशियल हो भले वो इस्लामी हो। आपने कहा कैसे मंजन का क्या भाई, दिखाओ 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 कि औरत तलाक ले सकती है। वो पाकिस्तान भी तो है ना, अभी तुम दो घंटे गए थे यही ढूंढने और तुमने आके बोला था कि औरत तलाक नहीं दे सकती, वो सिर्फ मुतालबा कर सकती है, तुम्हारी स्टेटमेंट है। दोबारा तुम घूम के वहीं पे। अब असल मुद्दा मेरा यही है, अगर खावंद ने बीवी को मारा और उसकी हड्डियां तोड़ दी हैं, तब जाके उसको हक मिलता है कि वो तलाक दे दे। यानी के साहिल साहब, अगर हड्डियां भी खावंद तोड़ दे तो भी खावंद को रिटेलिएशन नहीं है, सिर्फ बीवी को यह मिल जाता है कि अब वो उससे तलाक ले सकती है। साहिल साहब आप देख रहे हैं कितनी बड़ी जलालत है। वो भी ऐसा तो नहीं है ना एडम साहब कि वो रिक्वेस्ट करे और इस बुनियाद पे मिल जाए, वो तो काजी के पास जाएगी, काजी जो है इसमें हजार नाटक करेगा। काजी को उसने जाके साबित करना है कि ये खावंद ने मुझे मार के मेरी हड्डी तोड़ी है, और अगर ये साबित हो गया कि खावन ने ही उसकी हड्डी तोड़ी है तो अब वो तलाक ले सकती है, उससे पहले नहीं। बिल्कुल, बंदा भाग गया और बंदा भाग गया है यार। ये शेरे पंजाब कौन है यार, पहले मैं से ले लूं। यार तुम नॉन मुस्लिम हो, तुम क्यों आ रहे हो मिस्टर शेरे पंजाब? शेरे पंजाब, तुम्हें दो दफा मैंने खुद किक आउट किया स्ट्रीम से, निकलते हो कि बैन करूं? कमाल हो गई यार, हद होगी। मैं बैक स्टेज क्लीन कर करके थक गया हूं, ये बार बार आई जा रहे हैं यार, दो नंबर लोग। हाँ जी पाती थिंग साहब, क्या करूं आपके साथ? एक बंदे को कह मैं ब्लॉक करूं, तुम्हें भी एक्सप्लिसिटली वापस बोलूं कि तुम्हें ब्लॉक करूंगा तो निकलोगे? हर बंदे को एक्सप्लिसिटली बारी बारी बोलूं? Why are you saying sorry? Why are you not leaving the stream? I just want to listen your voice. अरे तो YouTube से भी कभी कभी नॉन मोमिन लोग का भी दिमाग मोमिनों की तरह अपंगता के साथ चलता है यार। वॉइस सुनने के लिए YouTube में वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? लो जी 200 memberships गिफ्ट कर दी हैं अभी तक मार्स इनकमिंग भाई ने। मार्स इनकमिंग भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके, और जिन जिन को मिली है उनकी यशियां हो गई हैं। लाइव चैट बड़ी ही तबाही स्पीड में चल रही है, थैंक यू सो वेरी मच। 5000 लोग तकरीबन देख रहे हैं दोस्तों, 7000 तक लेके जाओ यार इसको वापस। हक पसंद बरेली साहब, हक पसंद बरेली साहब वापस आए। जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? हाल तो अच्छा है, आप सुनाए, आप ठीक है? मैं भी सर ठीक हूँ सर, मैं बहुत फिट हूँ सर, आप हुक्म करें सर। भागना, दौड़ लगा के देखना। अच्छा, जैसे आपके नबी जो है वो हजरत आयशा से जीत गए थे रेस में, याद है ना आपको? एक मिनट मुझे हेडफोन लगाने दे। लगा ले सर, मेरा प्यारा भाई लड़ा ले। नहीं लगी, मोहम्मद साहब जीते थे, हजरत आयशा जीती थी। ये और भाई भाग गए, क्या हो गया यार इन लोगों के। मिस्टर अजीज, जी मिस्टर अजीज बोलिए। अजीज साहब देखें, आप पहले आए, मैंने आपको इज्जत दी, दूसरी दफा आप आए हैं फिर आपको इज्जत दी है, अब मैं आपको ब्लॉक करूंगा तो बोल लें इससे पहले कि मैं आपको ब्लॉक कर दूं। अजीज साहब नहीं जी, साहिल साहब, अजीज साहब तो हो गए हैं ब्लॉक, क्योंकि इन्होंने बोलना नहीं है, ये पहले भी इसी तरीके से करते हैं, आए हैं और बोलते नहीं है, तो साहिल साहब अब फिर इन्हें ब्लॉक कर दूं? थोड़ा ढंग का माइक वाइक ले लो ना भाई, ढंग का माइक वाइक ले लो, कुछ तो तुम लोग का प्रॉब्लम चलता है। बीपी चेंज हो गई है इनकी, देखो अभी। ओके
जी अजीज साहब, डीपी चेंज होने से सर इनकी आवाज कैसे आएगी? वो देखना पड़ेगा। ओके, सोनू सिंह साहब, आपने इस्लाम कब कबूल किए? उस्ताद, उस्ताद मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ उस्ताद, नमस्ते उस्ताद। गाली सुनेगा अभी फैन। सुहुबू, इनका नाम है शुभियम मलिविया, बैन फ्रॉम स्टूडियो। मनेश, बैन फ्रॉम स्टूडियो। अंशोत कुमार, बैन फ्रॉम स्टूडियो। मेरा स्ट्रीम यार्ड फिल करके बैठो आप लोग सारे सारे के सारे। जी इस्लामिक स्केप्टिक वापस आए हैं। जी सर, यार आ गया मैं, आ गया मैं दोबारा से। आखिरी तरह से आपको सर बात नहीं करनी है। हस्बैंड ओथ के जरिए से वो कर सकते हैं, मतलब द हस्बैंड कैन मैरिज थ्रू थ्री टाइप्स ऑफ ओथ्स। द ओथ कैन बी कंटिनेंस, इला एंड इसहार, and denial of paternity, the first two, या कुरान का वो दिया, दिखाइए 2-6 से 2-7 और 58 से 2 तक। ये तो दूसरी आयतें हैं, ये तो आयत ये है कि अगर उसने अपने खावंद के ऊपर एडल्टरी लगानी है, ये तो वो वाली आयतें हैं, ये तो वो वाली आयतें हैं कि अगर उसके खावंद ने एडल्टरी की है, जिना किया है और वो बता रही है कि मेरे खावन ने जिना किया है, तो उसने 3 दफा कसम खानी है कि मेरे खावन ने जिना किया है। इसका तलाक से क्या ताल्लुक है? हाँ, तो वो फिर ओथ लेने से तो वो मैरिज को डिसॉल्व भी कर सकते हैं ना, उसमें तो ये भी है। तो वो तो उस सूरत में है ना कि वो साबित कर रही है कि उसके खावन ने उसके होते हुए जिना किया है, एडल्ट्री साबित होने पे उसके खावंद को पत्थर मार मार के कत्ल कर दिया जाएगा, इससे तलाक नहीं होती, उसका खावंद रजम होगा। अच्छा, तो फिर आप ऐसे करो ना, वो वाली आयत दिखा दो ना वहां पर, जब बोलो ना सही है दिखा दो ना वहां पर, कहां पर लिखा हो कि एडल्ट्री के हिसाब से फिर कोई और चीज। सर आयत आप दे ना, कौन सी सही है 58 भी, कौन सी आयत देनी है? ये 58 टू 58। ओके लो जी, 58 ले आता हूं मैं, चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 58, राइट? नहीं, हां हां जी। किधर गया यार ये बंदा, भाग क्यों जाता है? इंटरनेट का मसला रहेगा उसका। क्या बकवास लोग हैं यार।